अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो क्लास 9 की मैथ को कंटिन्यू करते हैं हम। आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जैसे कि पता है कि लॉ का चैप्टर चल रहा है और ये जो वीडियोज़ हैं वो SST HST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके आपको हर एक्सरसाइज का ओवरव्यू दे दूँ। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि अब आपने इसमें लॉगरिथम मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, अगर आपने मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो वहाँ पे क्लियर हो गए हैं और फिर ताकि आपको यहाँ पे मसला ना हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो क्वेश्चन है फाइंड द लॉ, क्वेश्चन नंबर 1 है जी 9। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन नंबर है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लॉग मालूम करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है करेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स मैंने पिछली वीडियो में हेल्प की थी कि मैंने कोशिश की थी समझाऊँ, अगर आपने नहीं देखी तो मैं दोबारा यहाँ पे कुछ ओवर भी देती हूँ और उसके बाद मेंटिसा भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मेंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 3 नंबर हो, यानी 3 डिजिट्स हो और मैक्सिमम 4 डिजिट्स हो। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक्स का ये सीन होता है कि जैसे ये नंबर है 9 और उसका डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, तो हम जाहिर सी बात है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि जो भी डेसिमल होगा हम उसको फर्स्ट डिजिट के बाद रखना होता है। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है फर्स्ट डिजिट, हम इसको कोई मूव ही नहीं करवा रहे, या तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 9×10⁻⁰। तो इसका मतलब है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है, 0 है। ठीक है, अब आ जाएं बात करेंगे मेंटिसा के ऊपर। मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ अपने अल्फाज कि मेंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास कम से कम 3 डिजिट्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स हों, लेकिन यहाँ पर तो डिजिट ही 1 है, तो आप कैसे मेंटिसा मालूम करोगे। तो आपने क्या करना है, जो ये नंबर है विच इज़ 9, इसके आगे 2 ज़ीरो दे दे रहे हैं। ठीक है जी, हमने दे दिए 0। अब हम आ जाएंगे लॉ की टेबल की तरफ। ये लॉ की टेबल है, ये आपको इजली बुक में मिल जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था जी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बल्कि 900। अब इसमें क्या है कि 90 सिंगल डिजिट का आप मालूम नहीं करते, क्योंकि यहाँ से ही देखें तो ये डबल डिजिट्स हैं जिसका आपने मालूम करना होता है। तो 90 के मैं 0 में जाऊँगी, 90 के मैं 0 में जाऊँगी। तो आ जाएं जी, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो हम 90 के 0 में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से देखें तो ये आपके पास जो है 0, 1, 2, 3 ये सब नंबर्स होते हैं। तो आ जाएं जी 90 के 0 में आ जाते हैं, ये रहा जी 90, और ये जो फर्स्ट वन होता है वो 0 होता है। तो हमें नंबर मिल गया 9542। क्या नंबर मिला है हमें, मेंटिसा हमें मिला है जी। और हम इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं 0. अब मिला क्या है हमें नंबर, विच इज़ 9542, ये हमें मिल गया। तो हमें करेक्टरिस्टिक्स भी मिल गया, हमें मेंटिसा भी मिल गया, लेकिन हमें कहा गया था कि लॉग मालूम करें। तो लॉग के लिखने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आप ऐसे लिखोगे लॉग 9 इक्वल टू आपके पास जो भी करेक्टरिस्टिक्स आए पहले आप वो लिखोगे। लिख लिया, क्योंकि मेरे पास करेक्टरिस्टिक 0 आए तो मैंने 0 लिख लिया, उसके बाद डेसिमल आपने दे दिया, उसके बाद ये जो भी नंबर मेंटिसा आपको मिला है वो आपने लिखना है, यानी 9542। तो ये आपने लॉग मालूम कर दिया। ठीक है, इससे हमें ये मालूम हुआ कि जिस भी नंबर का हम लॉग मालूम करते हैं, वो जो भी लॉग आया उसका जो पार्ट होता है लॉग का, जो दो हिस्से होते हैं, बिफोर द डेसिमल आफ्टर द डेसिमल, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। जो फर्स्ट हिस्सा होता है जिसको हम होल नंबर कहते हैं, ये आपका करेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो मेंटिसा होता है। तो एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि ये लॉग 9 है, अब आप इसका बताएं विच इज़ इक्वल टू 0.9542, अब आप बताएं इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है और मेंटिसा क्या है। तो आप इजीली बता पाएंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 है और मेंटिसा जो है वो 9542 है।
क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक और सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है जी 5.56, तो मेंटिसा की तरफ आ जाएंगे हम, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएंगे। तो 5.56 इस डेसिमल को मूव करवाएंगे यहाँ, यानी 5.556। तो इनटू 10 इज पावर कितनी बार हमने मूव किया, वन टाइम मूव किया, तो इट विल 1। हमने राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हमने 1 दे दिया, पॉजिटिव 1 दे दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो जी 1 है। अब मेंटिसा के लिए आप क्या करोगे, 55 के आप 5 में जाओगे, 55 के 5 में जाओगे। तो आ जाएं जी 55 के 5 में चलते हैं। ये है जी हमारा 55 और उसके 5 में चलते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट वन 0 होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो आ गए हम, विच विल 7, 4, 4, 3। ठीक है जी, 7, 4, 4, 3 तो आ गए 7, 4, 4, 3। तो मेंटिसा जो हमें मिला, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 7, 4, 4, 3। तो इसको 0 पॉइंट करके हम लिखेंगे 0.7443। अब सवाल है कि ये भी तो नंबर बच गया 6। अब 6 को हम कहाँ पे करेंगे, तो 6 का हम लॉ की टेबल का जो मेन डिफरेंस होता है, ये वाला हिस्सा मेन डिफरेंस, वहाँ पे आ जाएंगे। तो हम आ गए थे जी 55 के क्या नंबर हमारे पास बचा था, 6 बचा था। तो हम इसको मूव करते 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 हम आ जाएंगे यानी यहाँ पे देखें तो इसका जो नंबर है ये 1, 2, 3, 4, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो 55 के हम 6 में आ जाएंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कौन सा नंबर आया है जी, 5 आया है, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे। अब 5 ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4, 4, 7, 0 पॉइंट। तो हमारे पास अब जो मेंटिसा है वो हम ये काउंट करेंगे, यानी 0.7448। तो हम लिखेंगे कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लिखोगे कि log 55.56 it is इक्वल टू जो भी आपका मेंटिसा है वो आप पहले लिखोगे, डेसिमल देकर लिखोगे 7448। अब डेसिमल के बाद पहले आपने क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितना आया था, 1 आया था, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। तो आपका जो log मिला 55.56 का, इट इज 1.7448। क्लियर, कोई मसले की बात नहीं है, बड़ा आसान है, बस सिर्फ आपने चीज़ों को समझना है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है कि 29.592। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया 29.592। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, यानी 29.592 है। इसको मूव आउट करेंगे तो एक बार हमने मूव किया, यानी 2.9592 × 10^1। राइट टू लेफ्ट गए तो पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव के हम निशाने नहीं देते। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स तो आ गया, लेकिन अब आ जाएंगे मेंटिसा की तरफ। तो मेंटिसा में मैंने आपसे एक बात कही थी कि चले इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 29592। जब आप मेंटिसा मालूम करते हैं तो आप डेसिमल को भूल जाया करें, उसको ना लिखा करें। अब ये आपके पास नंबर है, तो हमने ये पढ़ा था कि मेंटिसा मालूम करने के लिए मिनिमम आपके पास 3 डिजिट्स हो और मैक्सिमम आपके पास 4 डिजिट्स हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 5 डिजिट्स हैं, तो अब आप क्या करेंगे, तो अब हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का रूल क्या होता है कि अगर आपका ये वाला नंबर 0 से 4 तक है, ये वाला नंबर 0 से 4 तक है, तो आप इसको डिलीट कर देंगे, यानी इस नंबर को ख़त्म कर देंगे। और अगर यही नंबर आपके पास 5 से लेकर 9 तक है, तो आप इस नंबर में क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, यानी 1 जो है आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ये रूल आपका राउंड ऑफ का है, सही।
अगर आपने ये रूल्स नहीं आपको पता, अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आप YouTube पे लिखो हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर बाय अकेडमी फॉर ऑल, तो आपको इंशाल्लाह वो वीडियो मिल जाएगी। तो अब हम आ जाएं, तो ये जो नंबर है 2, तो ये तो 0 और 4 के बीच में है, तो इसका मतलब इस नंबर को हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास नंबर होगा विच विल 2959। ठीक है, अब आ जाएंगे आप 29 के 5 में। ठीक है, मैं अब सिर्फ लिख रही हूँ। ठीक है, या फिर हम चले नंबर की तरफ ही आ जाते हैं, टेबल की तरफ ही आ जाते हैं। तो आप आ जाएं 29 के 5 में आ जाएं, तो ये हमारे पास है जी 29 और उसके 5 में यानी 0 1 2 3 4 5, तो 4 6 9 8, 4 6 9 8 हमारे पास है। आई होप मैं सही जा रही हूँ 29 के 5 में, यानी 29 0 1 2 3 4 5, 4 6 9 8। ठीक है, तो ये हम आ जाएंगे जी मेंटिसा के लिए 4 6 9 8, 0 पॉइंट देकर हम लिखेंगे। अब उसी के 9 में आ जाएंगे, मेन डिफरेंस के लिए आप 9 में आ जाओगे, तो आ जाएं 29 का जो है अपना 29 के 9 में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपके पास जो मेन डिफरेंस आया वो 13 है, अब आप इसको ऐड करोगे, 8 और 3 हो जाएगा 11, 1 चला गया ऊपर, 9 1 10 1 11, 1 चला गया ऊपर, 6 1 7 और ये 4, तो इसका मतलब कि ये आपके पास मेंटिस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि log 29.592 which is equal to 4711, लेकिन इसके आगे करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स तो 1 आया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.4711। ठीक है, 1.4711 ये आपके पास लॉग आ गया। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद एक और इसका क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, विच इज़ 0.000076। ठीक है, मैं यहीं पे कर लेती हूँ इसको, मूव आउट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 7.6 × 10⁻¹⁵। लेकिन यहाँ पे देखें कि लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का 5 दे देंगे, तो इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 5 आ गया, सॉरी माइनस का 5 आ गया। अब मैंने कहा था कि 3 डिजिट्स मिनिमम चाहिए, लेकिन यहाँ तो 76 है, तो 76 इसके आगे आप खुद 0 दे देंगे, तो 76 के आप 0 में जाएंगे, तो आपके पास जो मेंटिसा आएगा वो आएगा 0.8808, यानी इसका मतलब है कि आपने जो लॉग मालूम किया किसका, आपने लॉग मालूम किया 0.000076 का, वो इक्वल है जी -5.8808। क्लियर है जी? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 की होगी, जो आई होप बहुत आसान है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 वो ऐसा क्वेश्चन है कि जब वो अगर आपको असेस करना चाहेंगे लॉ के सेंस में, तो वो क्वेश्चन आपको जो है वो टेस्ट में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें टेबल की नीड नहीं है, विदाउट टेबल आप लॉग मालूम करोगे, तो इसलिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।